हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विंडो एसी के इलेक्ट्रिकल भागों की चेकिंग समझेंगे। विंडो एसी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक भाग प्रयोग किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स से जो प्रयोग किए जाते हैं, उसकी चेकिंग किस तरीके से करते हैं उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, हमने कंप्रेसर फैन मोटर के बारे में अगली वाली वीडियो में समझ चुके हैं, तो अभी समझेंगे हम पीसीबी के बारे में। पीसीबी को किस तरीके से चेक करते हैं मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। पीसीबी के अंदर सबसे पहले न्यूट्रल फेज देंगे। न्यूट्रल के फेज, जैसे दोस्तों आपको पता होगा, न्यूट्रल ये जंक्शन रहता है। क्या रहता है दोस्तों? पीसीबी के अंदर जंक्शन रहता है। इस जंक्शन में हम न्यूट्रल देंगे। उसी तरीके से फेस कहाँ देंगे दोस्तों? जहाँ आपने पीसीबी में पीएच लिखा रहता ना, वहां पर हम फेस देंगे। तो हमने न्यूट्रल फेस दे दिया पीसीबी को। तो दोस्तों, हम आगे की तरफ क्या करेंगे? पीसीबी को चेक करने का तरीका दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लेंगे हम बल्ब होल्डर। क्या लेंगे दोस्तों? बल्ब होल्डर के माध्यम से इस पीसीबी को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम बल्ब होल्डर लेंगे। बल्ब होल्डर में से जैसे कि कुछ दो तार निकलते, क्या निकलते दोस्तों? दो तार निकलते हैं। अगर इससे न्यूट्रल फेज मिलता है तो अपना बल्ब ऑन हो जाता है। तो दोस्तों, ये जैसे कि आपको भी ये न्यूट्रल का जोड़ेंगे अपन पीसीबी के न्यूट्रल वाले जंक्शन में, एक तार अपने बल्ब का यहाँ जोड़ देंगे। उसी तरीके से दोस्तों, एक तार को, तो दोस्तों ध्यान से सुनना, कि एक वायर को न्यूट्रल जंक्शन पे देंगे और दूसरे वायर से, बल्ब के दूसरे वायर से रिमोट के द्वारा दबाए हुए बटन के अनुसार पीसीबी का पॉइंट पर बल्ब जलना चाहिए। दोस्तों, जैसे हम स्विंग मोटर का रिमोट के द्वारा बटन दबाएंगे तो अपने स्विंग पर टच करेंगे, तो यहाँ बल्ब अपना ऑन होना चाहिए। तो बल्ब इस स्थिति में अपना ऑन होना चाहिए। उसी तो दोस्तों, उसी तरीके से जैसे हम फैन का दबाएंगे, क्या दबाएंगे दोस्तों? फैन का। तो फैन दबाएंगे तो ये दोस्तों, ये तीनों में से किसी एक पर बल्ब जलना चाहिए। दोस्तों, पहली बार दबाया तो अपना लो का है। उसी तरीके से उस फैन वाले बटन को वापस दबाएंगे तो अपना मीडियम का होगा। फिर उसी तरीके से दबाएंगे फिर हाई का होगा। रिमोट के द्वारा दबाए हुए बटन के अनुसार अपना बल्ब ऑन होना चाहिए। अगर अपना ऑन होता है तो पीसीबी को सही माना जाएगा। अगर बल्ब ऑन नहीं होता है तो पीसीबी को अपना खराब माना जाएगा। आपको एक बार बताता हूँ, सबसे पहले पीसीबी में न्यूट्रल फेस देंगे, फेस इस जगह दिया और न्यूट्रल यहाँ जंक्शन पे दे दिया। उसके बाद क्या करेंगे? एक बल्ब होल्डर लेंगे, बल्ब के अपने एक वायर को जंक्शन पे लगाएंगे, दूसरे वायर को रिमोट के द्वारा दबाए हुए बटन के अनुसार अपना बल्ब ऑन होना चाहिए। जैसे फैन का दबाया तो फैन में अपने फैन वाले पॉइंट पर लगाने पर अपना बल्ब ऑन होना चाहिए। उसी तरीके से स्विंग वाला बटन दबाएंगे तो अपने स्विंग वाला पॉइंट पर लगाने पर अपना बल्ब ऑन होना चाहिए। तो रिमोट के द्वारा दबाए हुए बटन के अनुसार अपने पीसीबी के द्वारा अपना बल्ब ऑन होना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति में है तो अपने पीसीबी को सही माना जाएगा। दोस्तों, अपना आगे की तरफ है स्विंग मोटर। तो दोस्तों, मैं स्विंग मोटर के बारे में बताता हूँ आपको। स्विंग मोटर का काम होता है, स्विंग मोटर का काम होता है हवा को दिशा देने का काम अपना स्विंग मोटर का होता है। जैसे स्विंग मोटर क्या करता है दोस्तों? फ्लिप के द्वारा हवा को दिशा देने का काम करता है स्विंग मोटर। अपने स्विंग मोटर को 220 वोल्ट एसी सप्लाई मिलेगी तो अपना स्विंग मोटर चलेगा। अगर अपने स्विंग मोटर चलता है तो स्विंग मोटर सही है, अगर नहीं चलता है तो अपने स्विंग मोटर को खराब माना जाएगा। तो दोस्तों, इस डायरेक्ट न्यूट्रल फेज की सप्लाई देने पर अपने चलना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में तो अपने स्विंग मोटर को सही माना जाएगा। दोस्तों, आगे की तरफ अपने क्या है? ओएलपी। ओएलपी का क्या काम होता है? ओएलपी का काम होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओएलपी का पूरा नाम होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। ये कंप्रेसर की सुरक्षा के लिए होता है। दोस्तों, इसकी चेकिंग में बताता हूँ इसकी चेकिंग किस तरीके से करेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ अपने। तो दोस्तों, अपने एक सीरीज वायर लेंगे। सीरीज बनाना आपको अगली वाली वीडियो में समझा चुका हूँ मैं सीरीज किस तरीके से बनाते हैं। फिर भी आपको बताता हूँ, जैसे कोई बल्ब होल्डर है, बल्ब होल्डर को न्यूट्रल फेज की सप्लाई देंगे, उसके बीच में से किसी भी एक वायर को काट देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? किसी भी एक वायर को काटकर उन दोनों मुंह को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। किसी एक वायर को काटकर, एक वायर को काटेंगे तो उसके दो मुंह हो जाएंगे। दोनों वायर को, दोनों मुंह को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और ये अपना सीरीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? सीरीज। ये इन वायर को, दोनों को आपस में टच करेंगे तो अपना बल्ब ऑन होता है। तो इन दोनों वायर के माध्यम से हम किसी भी चीज को चेक कर सकते हैं, तो ये अपना सीरीज कहलाता है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सीरीज के एक वायर को एक नंबर पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे दोस्तों? एक नंबर पे। और दूसरे वायर को कहाँ रखेंगे दोस्तों? दूसरे वायर को नंबर पे और तीन नंबर पे बारी बारी से चेक करेंगे। ओएलपी के बारे में बताता हूँ। ओएलपी में एक नंबर इनके लिए होता है, दो और तीन नंबर आउट के लिए होता है। ये दोनों दो और तीन नंबर अंदर से एक होते हैं। विंडो एसी के अंदर जो ओएलपी प्रयोग की जाती है उसके अंदर तीन पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट इन के लिए होता है और दो पॉइंट अपना आउट के लिए होते हैं। तो एक नंबर का पिन इन के लिए होता है और दो तीन नंबर का पिन अपने आउट के लिए होता है। ये दोनों अंदर से एक होते हैं। अपना सीरीज का बल्ब जलता है, एक वायर को एक नंबर पर लगाएंगे और दूसरे वायर को दो नंबर तीन नंबर पर बारी बारी से टच करके देखेंगे अपना बल्ब ऑन होता है। तो इसे 50% सही माना जाएगा। क्या माना जाएगा दोस्तों? इसे 50% सही माना जाएगा। 50% चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोमबत्ती के माध्यम से या किसी भी लाइटर के माध्यम से इसे गर्म करेंगे, अपने सिर के वायर को फिक्स कर देंगे। और क्या करेंगे दोस्तों? अगर फिक्स करना पर अपना बल्ब ऑन हो जाएगा तो हम देखेंगे दोस्तों, नीचे मोमबत्ती लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? नीचे की तरफ हम मोमबत्ती लगाएंगे
और मोमबत्ती के माध्यम से या किसी लाइटर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम नीचे की ऑयल को नीचे की तरफ से गर्म करेंगे। हम देखेंगे कुछ दोस्तों, हम देखेंगे 5 से 6 सेकंड के अंदर अंदर अपने ऑयल भी कट कर देनी चाहिए, इसमें कट किया हो जाएगी और अपना बल्ब ऑफ होना चाहिए। तो दोस्तों अपना बल्ब ऑफ हो जाता है, या अपने 5 से 6 सेकंड के अंदर अगर ऑयल पी गर्म करने पर अपना बल्ब ऑफ हो जाता है तो ऑयल पी को 100% सही माना जाएगा। ऐसी स्थिति में अपना ऑयल पी को 100% सही माना जाएगा। दोस्तों आगे की तरफ अपना कैपेसिटर, क्या है दोस्तों कैपेसिटर? तो दोस्तों अपना आगे की तरफ है कैपेसिटर। दोस्तों कैपेसिटर किस तरीके से चेक करते हैं मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। जैसे दोस्तों अपने विंडो एसी के अंदर दो तरह के कैपेसिटर प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं? एक को बोलते हैं रनिंग कैपेसिटर, दूसरे को बोलते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर का चेक करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर के दोनों की पहचान बताता हूँ। दोस्तों मैं आपको रनिंग कैपेसिटर पर हमेशा 440 वोल्ट लिखा रहता है, 440 वोल्ट एसी लिखा रहता है। तो अगर ये लिखा रहा 440 वोल्ट तो अपने ये पक्का है रनिंग कैपेसिटर है। और दोस्तों स्टार्टिंग कैपेसिटर की पहचान बताता हूँ, इस पर हमेशा 220 वोल्ट, 230 वोल्ट या 250 वोल्ट के अंदर अंदर लिखा रहता है। अगर 220 वोल्ट से 250 वोल्ट लिखा रहा है इस पे, तो वो अपना पक्का अपना स्टार्टिंग कैपेसिटर है। विंडो एसी के अंदर जो कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है वो 20 एमएमपी से 45 एमएमपी तक प्रयोग किया जाता है रनिंग कैपेसिटर, और स्टार्टिंग कैपेसिटर 40 से 132 एमएमपी तक प्रयोग किया जाता है स्टार्टिंग कैपेसिटर। दोस्तों इसका चेक करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले दोस्तों अपने सीरीज के द्वारा करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? सीरीज के द्वारा। दोस्तों सीरीज के दोनों वायर को रनिंग कैपेसिटर के दोनों पॉइंट पर लगाएंगे। ये चारों पॉइंट एक होते हैं, ये दोनों पॉइंट एक होते हैं। 2 से 3 सेकंड के लिए इन दोनों पॉइंट पर सीरीज के दोनों वायर को लगाएंगे और किसी पेचकस की सहायता से, किसी भी सहायता से इन दोनों पॉइंट को आपस में टच करेंगे। अगर इससे ब्लू कलर की चिंगारी आती है तो अपने कैपेसिटर को 50% सही माना जाएगा। क्या माना जाएगा दोस्तों? 50% सही माना जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट न्यूट्रल फेज की सप्लाई देंगे 2 या 3 सेकंड के लिए। उसी तरीके से दोस्तों किसी पेचकस या किसी भी सहायता से दोनों पॉइंट को आपस में टच करेंगे, तो ब्लू कलर की चिंगारी आती है तो अपने 100% सही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अगर ऐसी स्थिति में है तो अपने 100% सही माना जाएगा। सीरीज से चेक करने पर सीरीज का बल्ब जलना चाहिए और इसे न्यूट्रल फेस की सप्लाई देने पर वापस टच करेंगे दोनों किसी भी चीज के माध्यम से इसे टच करेंगे तो अपने ब्लू कलर की चिंगारी आती है तो अपने 100% कैपेसिटर सही माना जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों अपना स्टार्टिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सीरीज के दोनों वायर को स्टार्टिंग कैपेसिटर के दोनों वायर पर लगाएंगे तो दोस्तों हम देखेंगे सीरीज का बल्ब जलता है। रनिंग कैपेसिटर में हमेशा पिन निकली हुई रहती है, स्टार्टिंग कैपेसिटर में अपने हमेशा वायर निकले रहते हैं। सीरीज के दोनों वायर से दोनों वायर को टच करेंगे और इन्हें आपस में शॉर्ट करेंगे, इससे अगर चिंगारी नहीं आती है तो इससे 50% सही माना जाएगा। दोस्तों आपको ध्यान देने वाली बात बताता हूँ मैं आपको, अपने स्टार्टिंग कैपेसिटर सीरीज के द्वारा चार्ज नहीं होता है और रनिंग कैपेसिटर अपने सीरीज के द्वारा भी चार्ज हो सकता है। दोस्तों अगर ऐसी स्थिति में अपने सीरीज के द्वारा चार्ज करने पर अगर इसे वापस शॉर्ट करने पर अगर चिंगारी नहीं आती है तो इसे 50% सही माना जाएगा। क्या उसी तरीके से दोस्तों कैपेसिटर के दोनों वायर को 5 पिन सॉकेट में लगाएंगे या इसे डायरेक्ट 220 वोल्ट न्यूट्रल फेज की सप्लाई देंगे। तो सप्लाई कितने टाइम तक देंगे दोस्तों? 2 से 3 सेकंड के लिए ओनली सप्लाई देंगे और उसी तरीके से दोनों को वायर को आपस में टच करेंगे तो अपने ब्लू कलर की चिंगारी निकलती है। अगर अपने ब्लू कलर की चिंगारी निकलती है तो अपने 100% सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे की तरफ अपने वोल्टेज रिले को किस तरीके से चेक करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वोल्टेज रिले का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? वोल्टेज रिले का प्रयोग जहाँ किया जाता है, जहाँ रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर के द्वारा अपने कंप्रेसर को स्टार्ट किया जाता है। अब जहाँ रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर को एक साथ मिलाकर कंप्रेसर को चलाने का काम अपने वोल्टेज रिले करता है, दोनों कैपेसिटर को एक साथ चलाने का काम अपने वोल्टेज रिले का होता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसका चेकिंग किस तरीके से करते हैं। वोल्टेज रिले में तार जोड़ने के लिए 4 पॉइंट होते हैं, इसमें संख्या लिखी रहती है 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 4 नंबर। दोस्तों इसमें 3 नंबर का पॉइंट नहीं होता है, इसमें 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 4 नंबर का पॉइंट होते हैं। 4 पॉइंट होते हैं, इसमें 3 नंबर का कोई पॉइंट नहीं होता है। दोस्तों एक और ध्यान देने वाली बात बताता हूँ मैं आपको, 4 नंबर का पॉइंट संबंध किसी तीनों से नहीं है, पर हम देखेंगे दोस्तों 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर का संबंध किसी ना किसी माध्यम से आपस में संबंध है इनका, पर 4 नंबर का संबंध किसी में भी नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसकी चेकिंग किस तरीके से करते हैं। दोस्तों उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सीरीज के वायर लेंगे, वायर को अपने 4 नंबर पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे दोस्तों? मैं आपको बताता हूँ, सीरीज के एक वायर को 4 नंबर फिक्सर रखेंगे और बारी बारी से 5 नंबर पे, 2 नंबर पे और उसी तरीके से 1 नंबर पे, तो तीनों पॉइंट पे चेक करेंगे। तो दोस्तों हम देखेंगे सीरीज का बल्ब नहीं जलना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में है तो अपने तो इसे 25% सही माना जाएगा। सीरीज के एक वायर को 4 नंबर पर लगाने पर
बचे हुए तीनों पॉइंट को बारी बारी चेक करेंगे, अगर सिरिंज का बल्ब नहीं जलता है तो अपना 25% सही माना जाएगा, अगर ऐसी स्थिति में है तो अपना 25% सही माना जाएगा। दूसरी स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, एक वायर को, किसी एक वायर को अपने एक नंबर पर रखेंगे, सिरिंज के एक वायर को एक नंबर पर रखेंगे और सिरिंज के दूसरे वायर को दो नंबर पर रखेंगे। दोस्तों हम देखेंगे अपने सिरिंज का बल्ब जलना चाहिए, तो दोस्तों हम देखेंगे अपने सिरिंज का, इस स्थिति में अपना सिरिंज का बल्ब अपने जलना चाहिए। अगर अपने सिरिंज का बल्ब ऑन है 50% सही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, अगर ऐसी स्थिति में है एक नंबर दो नंबर पर चेक करने पर सिरिंज के द्वारा, तो अगर बल्ब अपना ऑन होता है तो इसे 50% सही माना जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों एक वायर को अपने एक नंबर पर रखेंगे और दूसरे वायर को, ध्यान देना दोस्तों, दूसरे वायर को अपने 5 नंबर पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे दोस्तों, 5 नंबर पर। अगर ऐसी स्थिति में है तो अपने बल्ब नहीं जलना चाहिए। अगर बल्ब नहीं जलता है और अपने इसके अंदर से कुछ आवाज आती है, एक नंबर 5 नंबर पर रखने पर चिटरिंग की आवाज आती है, तो इसे 75% सही माना जाएगा। कितना परसेंट माना जाएगा दोस्तों, इसे 75% सही माना जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों बचे हुए अपने दो पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट पर चेक करेंगे। सिरिंज के एक वायर को दो नंबर पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे दोस्तों, सिरिंज के एक वायर को अपने दो नंबर पर रखेंगे और सिरिंज के दूसरे वायर को, सिरिंज के दूसरे वायर को 5 नंबर पर रखेंगे। दोस्तों हम देखेंगे सिरिंज का बल्ब नहीं जलना चाहिए, वायर को 2 नंबर पर रख देंगे और दूसरे वायर को 5 नंबर पर टच करेंगे। दोस्तों हम देखेंगे खटखट की आवाज आना चाहिए, सिरिंज का बल्ब नहीं जलना चाहिए और इससे इसके अंदर से खटखट की आवाज आती है। 2 नंबर 5 नंबर पर टच करने पर एक वायर को 2 नंबर पर रखेंगे और दूसरे वायर को 5 नंबर पर रखेंगे। अगर इस पर जैसे रखेंगे खट की आवाज आएगी, फिर उठाएंगे फिर खट की आवाज आएगी। अगर ऐसी स्थिति में है तो अपना इस सेलेक्टर स्विच को 100% सही माना जाएगा। तो दोस्तों अपना 8वें नंबर पर सेलेक्टर स्विच, सेलेक्टर स्विच को किस तरीके से चेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, सेलेक्टर स्विच और थर्मोस्टेट का प्रयोग बंद हो चुका है, फिर मैं आपको चेकिंग बताता हूँ। आपको सेलेक्टर स्विच और थर्मोस्टेट पहले के टाइम पर प्रयोग की जाती थी, जहाँ जिस टाइम पर अपनी पीसीबी नहीं थी उस टाइम पे विंडो एसी को सेलेक्टर स्विच के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, पर अब पीसीबी के द्वारा अपने विंडो एसी को कंट्रोल किया जाता है। सेलेक्टर स्विच की चेकिंग बताता हूँ आपको मैं। सेलेक्टर स्विच अपने 5 पिन वाले 6 पिन वाले रहते हैं, तो इन दोनों की चेकिंग बताऊंगा दोस्तों मैं आपको। सबसे पहले अपने सिरिंज के द्वारा चेक करेंगे, हम सेलेक्टर स्विच को सिरिंज के द्वारा चेक करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सिरिंज के एक वायर को दोनों पॉइंट एक होते हैं। क्या होता है दोस्तों, अंदर से दोनों पॉइंट एक होते हैं। सिरिंज के एक वायर को अपने किसी भी एक पॉइंट पर लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे दोस्तों, कहीं भी दोनों में से किसी पर भी लगा सकते हैं। सिरिंज के एक वायर पर यहाँ लगाएंगे, उसके बाद वो बच्चे वायर से सिरिंज के वायर से बारी बारी से चारों पॉइंट पर चेक करेंगे, तो हम देखेंगे दोस्तों सिरिंज का बल्ब किसी पर भी नहीं जलना चाहिए। दोस्तों हम आगे की तरफ क्या करेंगे, सेलेक्टर स्विच की नोब को, तो दोस्तों इसके अंदर एक नोब रहती है, सेलेक्टर स्विच की नोब को जैसे घुमाएंगे हम, क्या कर सेलेक्टर स्विच की नोब को एक बार घुमाएंगे और फिर उसके बाद चारों पॉइंट को बारी बारी चेक करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, चारों में से किसी एक पर बल्ब जलता है और जिस पर अपना बल्ब जलता है वो फैन का हाई रहता है, वो फैन का हाई स्पीड का रहता है। जैसे कि आपको मैं आपको बारी बारी चारों पर चेक करेंगे, जैसे अगर इस पर अपने बल्ब जलता है, अगर इस पर अपना बल्ब जलता है तो ये अपने फैन का हाई है। क्या है दोस्तों, फैन का हाई। उसी तरीके से सेलेक्टर स्विच की नोब को दूसरी बार घुमाएंगे, तो देखेंगे हम इन चारों में से किसी दो पर अपने सिरिंज का बल्ब जलता है। क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों हम देखेंगे जिन दो पिनों पर अपना बल्ब जलता है तो उसमें से एक अपने फैन का लो रहेगा, दूसरा अपने कंप्रेसर का रहेगा। तो हमें पता नहीं है जैसे इन दोनों पर अपना बल्ब जलता है, सिरिंज के एक वायर को बचे हुए तीनों वायर को बारी बारी चेक करेंगे, तो हम देखेंगे किसी दो पर बल्ब जलता है। जिस दो पर बल्ब जलता है वो फैन का लो रहता है, दूसरा अपने कंप्रेसर का रहता है, पर हमें पता नहीं है फैन का लो है कौन सा कंप्रेसर का है अपने, तो उसकी चेकिंग अपने आगे वाले पॉइंट में चेक कर लेंगे। तो दोस्तों उसी तरीके से सेलेक्टर स्विच की नोब को तीसरी बार घुमाएंगे, तीसरी बार घुमाने पर फैन का हाई प्लस कंप्रेसर का बताएगा। तीसरी बार घुमाने पर जैसे पहले दोनों पर बताया था, पर हमें पता नहीं किस पर अपने लो है किस पर अपने कंप्रेसर है। तो दोस्तों जिस पर हमने पहले पता चल चुका था, दूसरी बार में एक पर फैन का लो है दूसरी पर कंप्रेसर है, तो कौन सा कंप्रेसर है कौन सा फैन का है, तो उसकी तीसरी बार में पता चल चुका है। एक पॉइंट पर अपने फैन का लो बताएगा और दूसरे पॉइंट पर अपने कंप्रेसर बताएगा, किसी दो पॉइंट पर बल्ब जलेगा। उसी तरीके से दोस्तों सेलेक्टर स्विच की नोब को चौथी बार घुमाएंगे। अगर अपने दोस्तों ये 5 पिन वाला सेलेक्टर स्विच है तो ये चौथी बार में ऑफ हो जाता है, अगर ये 6 पिन वाला सेलेक्टर स्विच है तो चौथी बार में अपने फैन का मीडियम और प्लस कंप्रेसर बताता है, और फिर उसी तरीके से 5वीं बार घुमाने पर तो अपने ऑफ हो जाता है। अगर दोस्तों आपको इसकी चेकिंग समझना है तो इन 5 पॉइंट को अपने नोट करना पड़ेगा। पहली बार सेलेक्टर स्विच की नोब को घुमाने पर हाई बताएगा, फैन का हाई बताएगा, और दूसरी बार फैन का लो प्लस कंप्रेसर बताएगा, और तीसरी बार घुमाने पर
फैन का हाई प्लस कंप्रेसर बताएगा, और चौथी बार घुमाने पर फैन का मीडियम प्लस कंप्रेसर बताएगा, और पांचवी बार घुमाने पर, छह पिन वाला है तो पांचवी बार घुमाने पर अपना ऑफ हो जाता है। अगर अपने सेलेक्टर स्विच इस तरीके से है बता रहा है तो अपने सेलेक्टर स्विच को सही माना जाएगा। दोस्तों आगे की तरफ है अपने थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट को किस तरीके से चेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अपना आगे की तरफ है थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट को किस तरीके से चेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों स्विच के द्वारा चेक करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों? तो दोस्तों अपने थर्मोस्टेट का प्रयोग अपने विंडो एसी के अंदर जहाँ सेलेक्टर स्विच का प्रयोग किया जाता है वहां अपने थर्मोस्टेट का प्रयोग भी किया जाता है। थर्मोस्टेट का काम होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। थर्मोस्टेट की चेकिंग मैंने दोस्तों आपको फ्रिज में बताई थी, उसे तो सिरिंज के द्वारा चेक करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? सिरिंज के द्वारा सिरिंज के एक वायर को किसी एक पॉइंट पर रखेंगे, दूसरे वायर को अपने दूसरे पॉइंट पर रखेंगे। थर्मोस्टेट के दो पॉइंट होते हैं, एक से इन दूसरे से आउट करने के लिए। तो इन दोनों पिनों पर अपने सिरिंज के वायर को रखेंगे, और थर्मोस्टेट के बीच में एक बटन रहता है। दोस्तों आपको पता होगा थर्मोस्टेट बटन होता है, इसके माध्यम से इसे बंद चालू करेंगे। अगर आप बंद चालू करने पर अपना सिरिंज का बल्ब बंद चालू होता है, अगर इसे ऑन ऑफ करने पर अपना सिरिंज का बल्ब ऑन ऑफ होता है, तो इसे 50% सही माना जाएगा। क्या माना जाएगा दोस्तों? अगर इसे ऑन ऑफ करने पर अपना बल्ब भी ऑन ऑफ होता है तो इसे 50% सही माना जाएगा। तो दोस्तों ये इसकी थी इलेक्ट्रॉन चेकिंग। तो दोस्तों इसकी मैकेनिकल चेकिंग बताता हूँ आपको मैं। मैकेनिकल चेकिंग में क्या करेंगे दोस्तों? एक पात्र लेंगे। तो दोस्तों इसकी मैकेनिकल चेकिंग के बारे में बताता हूँ आपको मैं। दोस्तों थर्मोस्टेट की पूछ रहती है, क्या रहती है दोस्तों? थर्मोस्टेट की पूछ में क्या कौन सी गैस भरी रहती है? थर्मोस्टेट की पूछ में अपने SO2 गैस भरी रहती है। तो दोस्तों ये SO2 गैस का काम होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। SO2 गैस की पहचान होती है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो दोस्तों हम देखेंगे सिरिंज की दोनों वायर को थर्मोस्टेट की दोनों पिनों पर अपने टच से कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? फिक्स कर देंगे, इसे ऑन स्थिति में रखेंगे और सिरिंज के बल्ब को अपना ऑन हो जाता है। तो हम लेंगे कोई पात्र लेंगे उसके अंदर अपने बर्फ का टुकड़ा डाल देंगे, थर्मोस्टेट की पूछ को दबा देंगे। तो दोस्तों हम देखेंगे, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। तो दोस्तों हम देखेंगे 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर अपने सिरिंज का बल्ब अपने ऑफ हो जाता है। 5 से 7 मिनट के बीच में अगर अपने तो दोस्तों हम देखेंगे 5 से 7 मिनट के बीच में अगर अपने सिरिंज का बल्ब अपना ऑफ हो जाता है तो थर्मोस्टेट की पूछ को पात्र से हटा देंगे, बर्फ से बाहर निकाल देंगे। नॉर्मल करना पड़े तो दोस्तों हम देखेंगे उसी तरह। तो दोस्तों हम देखेंगे 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर वापस अपना बल्ब अपने ऑन हो जाता है, वापस एक कंटिन्यूटी बदलने लग जाएगा। अगर ऐसी स्थिति में है तो अपने 100% थर्मोस्टेट को सही माना जाएगा। तो अगर इसकी स्थिति इस तरीके से है तो इसे 100% सही माना जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। यह मैंने आपको बताया विंडो एसी का इलेक्ट्रिकल भागों की चेकिंग बताया है। विंडो एसी के अंदर 9 इलेक्ट्रिकल भाग होते हैं, इन 9 इलेक्ट्रॉनिक भागों के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है कि इसको किस तरीके से चेक करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो में कुछ भी समझ में आया तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बारी बार से आपको मैं विंडो एसी, स्प्लिट एसी, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, RO, वॉशिंग मशीन, गीजर, हाउस वायरिंग, मोटर वाइंडिंग, बारी बार से इन सबका कोर्स कराऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारे से कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।